जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमने जो डिस्कस करनी है वो एमसीक्यूज पर ही डिस्कस करेंगे, एवरेज से रिलेटेड एमसीक्यूज, और वो एमसीक्यूज कुछ इस तरह का है। कहता है, गोहर लेफ्ट हिज होम एट 9 AM, सुबह के 9 बजे घर से निकलता है, एंड ट्रेवल्ड एट द एवरेज रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज रेट क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर अंटिल 1 PM। 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक वो 50 किलोमीटर फी घंटा की एवरेज रेट से मूव करता है, यानी कि ट्रेवल करता है। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर? तो उसने 9 बजे से 1 बजे के दरमियान 1 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा? तो ये क्वेश्चन है। एवरेज हमें ये वैल्यूज दी हुई है और ये नीचे एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो काम हमने करना होता है वो हमने वैल्यूज को सेग्रीगेट करना होता है। तो हम जो गिवन वैल्यूज हैं उनको लेकर चलते हैं। एवरेज रेट गिवन है तो हम एवरेज रेट को एवरेज रेट से ही शुरू करते हैं। अब देखें, एवरेज रेट मींस के एवरेज हमें गिवन है, एवरेज दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर या इसे ऐसे लिख लें 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि एवरेज किसके इक्वल होती है। अगर हम देखें तो पता है हमें एवरेज किसके इक्वल होती है, एवरेज इक्वल्स टू सम ओवर एन, इसके इक्वल होती है एवरेज। अब 9 से 1 बजे तक ये एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, लेकिन अगर हम इधर गौर करें, इन दोनों को हम अगर मिलाकर चले, एवरेज क्या होती है? सम ओवर एन। फाइंड अपने करना है डिस्टेंस इन किलोमीटर। अगर इधर देखें तो इधर एवरेज तो है, ऊपर कौन सी वैल्यू है किलोमीटर में, नीचे कौन सी वैल्यू है हॉर्स में, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर ऊपर वैल्यू है सम में, तो हम अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास ये किलोमीटर में आएगी, सॉरी ऊपर वाली वैल्यू जो होगी ये किलोमीटर में होगी, और जो नीचे एन है ये हॉर्स में होगा। तो इस तरह एवरेज किलोमीटर पर हॉर्स है। तो अब हम फाइंड जो हमने करना है वो ये है, जिस तरह उसने कहा डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और हॉर्स का हमें इधर से इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब 9 से 1 बजे तक अगर हम देखें, इधर देखते हैं, अगर 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से फिर 1, कितने घंटे हो गए? ये 1 घंटा, 1 hour, 2 hour, 3 hours, और फिर ये एट द एंड फाइंड 4 hours। तो हमारे पास कितने hours आए टोटल? 4 घंटे। एन हमारे पास आ गया 4 hours, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज को पुट करते हैं किसी फॉर्मूले में, यही फॉर्मूले में जो हमें गिवन है। तो एवरेज इक्वल्स टू, इसे मैं अब डिस्टेंस लिख सकता हूं, और इसे मैं हॉर्स लिख सकता हूं, ठीक है। अब एवरेज किसके इक्वल थी हमारे पास, एवरेज किसके इक्वल है 50 के, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, और हॉर्स हमारे पास क्या आए थे 4 hours, 4 घंटे। तो इसे हमने एड्रेस डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है डिस्टेंस क्या आएगा, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 200 इन किलोमीटर्स। तो जवाब हमारा क्या आएगा, 200। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? जी आपने दुरुस्त बताया, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। तो
इस तरह हम किसी भी वैल्यूज की एवरेज से उसके डिस्टेंस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।